दर्दनाक बयान है उनका। पहले वो गलती करें, चौराहे पर शिवलिंग लगा दें, शिवलिंग को फवारा बना दें, फवारे पर सीवरेज का पानी चल रहा हो, और उसके बाद गलती मानने की बजाय कह रहे हैं कि आपके लिए शिवलिंग होंगे और उनके लिए पत्थर है। हमने कंप्लेंट की है इस बात की, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सच में हिंदू भी हैं, इनकी भावनाएं भी हैं, या सिर्फ चुनाव के टाइम पर ये हिंदू होने का नाटक करते हैं? जी, हम दूसरा सवाल, जिस तरह से प्रिपरेशन चल रहे हैं, तमाम जगहों पर साफ सफाई का भी काम चल रहा है, एलजी उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने ठीक से काम किया होता तो दिल्ली की कुछ और ही तस्वीर होती। दिल्ली सरकार के लिए कहा है कि एक साल भी ठीक से काम किया होता तो। ये एलजी बहुत ही बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं। इनके पास, एलजी के पास और इनकी भाजपा के पास पिछले 15 साल से एमसीडी थी, और बिल्कुल गार्बेज बिन बना दिया था इन्होंने दिल्ली को। और जब से हम जीते हैं लगातार काम कर रहे हैं, क्लेनलीनेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हर कोना कोना साफ किया है दिल्ली सरकार ने एमसीडी जीतने के बाद। और अब आ गए हैं बिल्कुल पेटी पॉलिटिक्स करने, क्रेडिट लेने के लिए। ये बेहद शर्मनाक है। साथ ही इन एलजी ने जब से दिल्ली आए हैं, इन्होंने एक ही काम किया है, दिल्ली वालों के कामों को रोकने का काम किया है। चाहे वो डीजेबी की सैलरी रोकने का काम हो, चाहे वो अस्पतालों में सैलरी रोकने का काम हो, चाहे वो 400 ऐसे क्रिटिकल एडवाइजर्स जो दिल्ली सरकार में काम करते थे उनको इलीगली हटा देने का काम हो। ये एलजी सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया दिल्ली में। इनकी एक इकलौती जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर, जो आप देख लीजिए दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आज।